आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत है। मैं हूं आस्था चौहान और आइए नजर डालते हैं खबर फटाफट की तरफ। इंदौर को जल्द ही दो और शहर के लिए सीधी फ्लाइट सुविधा मिलने जा रही है। इनमें एक फ्लाइट इंदौर से जोधपुर के लिए होगी तो वहीं दूसरी इंदौर से वडोदरा शहर के लिए प्रारंभ की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जेट एयरवेज अगले माह से 28 नई फ्लाइट शुरू करने जा रहा है। प्रदेश की राजधानी भोपाल को अन्य शहरों से एयर कनेक्टिविटी द्वारा जोड़ने और उड़ानों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव श्री बीपी सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रमुख सचिव इंडस्ट्री मध्य प्रदेश शासन विमानपत्तन निदेशक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आदि उपस्थित थे। रेलवे परिक्षेत्र में लगे होर्डिंग्स को लेकर दायर की गई रेलवे विभाग की याचिका को हाईकोर्ट जस्टिस रोहित आर्या ने खारिज ही नहीं बल्कि इस निर्देश के साथ निराकृत भी किया है। रेलवे के अधिवक्ता अमिताभ उपाध्याय के अनुसार कोर्ट ने केस की मेरिट पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की है। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा की गाड़ी में लगा हूडर और नंबर प्लेट पुलिस ने निकाल कर बाबा के हाथ में दे दिया। मौसम विभाग ने गुरुवार को इंदौर समेत 33 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इंदौर संभाग के सभी 8 जिले भी इसमें शामिल है। उज्जैन देवास रतलाम भी इस दायरे में शामिल है। इंदौर में दिन की शुरुआत रिमझिम से हुई। गुरुवार को इंदौर लोकायुक्त ने श्रीनगर कांकड़ क्षेत्र में पटवारी जाकिर हुसैन के घर दबिश दी। टीम एक साथ पटवारी के निवास सहित 6 ठिकानों पर सुबह पहुंची। श्रीनगर कांकड़ स्थित घर का दरवाजा पटवारी ने ही खोला। टीम ने परिचय दिया तो वे घबरा गए। सराफा के पास बर्तन बाजार के मीना बाजार के कॉम्प्लेक्स में ज्वेलरी बनाने वाले बंगाली कारीगर के यहां से मंगलवार रात उसके पुराने नौकर ने 20 लाख रुपए का 683 ग्राम सोना चुरा लिया। कारीगर ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। नंदानगर क्षेत्र के सरकारी स्कूल में छात्रों द्वारा छात्रों के साथ छेड़छाड़ कर उनका वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले कुछ छात्र 2 महीने से साथी छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहे थे। छात्राओं की शिकायत के बाद पुलिस स्कूल पहुंची और 6 छात्रों को थाने ले गई। देश के सभी बड़े बैंक कर्जदारों में शामिल और वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में फंसे भूषण स्टील के प्रमोटर की इंदौर में भी करोड़ों की जमीन का पता चला है। ये जमीनें कंपनी के तत्कालीन एमडी नीरज सिंघल की पत्नी और कंपनी की प्रमोटर रही रितु सिंघल के नाम पर है। भोपाल में पदस्थ एक थाना प्रभारी की बेटी से ज्यादती के मामले में सत्र न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई होगी। पीड़ित युवती की ओर से एक अर्जी दायर की गई है कि आरोपियों ने न्यायालय में फर्जी दस्तावेज पेश कर जमानत हासिल कर ली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।